हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज निर्भय यादव, क्लास नाइन्थ फिजिक्स। टुडे आई टेल सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो है। तो देखिए, क्या ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस यू इज इक्वल टू जीरो मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एसिलेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। 2 मिनट तक एक कॉन्स्टेंट एसिलेशन के साथ में कोई भी बस है वो मूवमेंट करती रहती है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, उसने स्पीड कितनी एक्वायर्ड की। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, कितनी उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड की है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो क्या होगा बेटा, v इज इक्वल टू पता करना और s इज इक्वल टू पता करना। तो वी नो दैट न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती है ना। तो बेटा u आपका जीरो, v कितना, v हमें पता करना है। v इक्वल टू जीरो प्लस a कितना है 0.1 इंटू, देखो बेटा 2 मिनट है, मिनट को हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 इंटू 60 120 सेकेंड इंटू 120। तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें पता करना है डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की है। तो वी नो दैट न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन, बेटा सेकेंड इक्वेशन में ही तो आता है ये u और v। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा s इज इक्वल टू ये जीरो टर्म हो जाएगी क्योंकि u जीरो टी जीरो, तो 1/2, a कितना है 0.1 इंटू 120 इंटू 120, यही हो जाएगा ना 2 6 जा। ठीक, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 120 इंटू 6, तो s इज इक्वल टू 0 6 टू जा 12 1 कैरी 6 और 1 7 20 मीटर डिस्टेंस टोटल कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 720 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका ये, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एसिलेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बेटा इसमें डी एसिलेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ ट्रेन रुक रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी रुकती है तो उसकी कंडीशन में क्या आता है, डी एसिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, डी एसिलेशन होता है। तो यू इक्वल टू क्या दिया है, देखो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगी, जब कोई बॉडी चल रही कंटिन्यूसली, जब कोई बॉडी चल रही है कंटिन्यूसली तो उसको हम कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर ये रुक चुकी होती, ठीक है ना, उस टाइम पर अगर होती, या फिर कोई बॉडी इनिशियल से स्टार्ट होकर के कंटिन्यूसली चल रही होती तो वो फाइनल वेलोसिटी होती। ठीक है, तो यू इक्वल टू क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 5 अपॉन 18, तो आप इसको काट देंगे तो क्या होगा, जैसे 3 से मिनट काट दिया, 3 जा 9 30 और 3 6 18, 6 5 जा 30 और 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बेटा v इक्वल टू क्या है, 0 क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है। a इक्वल टू क्या, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने डिस्टेंस पूछी कि कितनी दूर चल के वो बॉडी रुक जाएगी, वो ट्रेन रुक जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसमें लगा दो v स्क्वायर 0, u स्क्वायर कितना है 25 इंटू 25, माइनस क्योंकि ये आपका माइनस लगा हुआ है 2 इंटू 0.5 इंटू s उसको पूछ रहा है। तो बेटा यहां पर कर लो इसको, देखो क्या आएगा, 25 इंटू 25 625 होता है इज इक्वल टू
आपका कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 0.0 यही आएगा ना, इंटू एस, तो एस इज कॉस टू 625 मीटर। तो इसमें क्या होगा कि 625 मीटर चलने के बाद में वो ट्रेन रुक जाएगी, कितने मीटर चलने के बाद में, 625 मीटर चलने के बाद में वो ट्रेन स्टॉप्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसी बेस्ड पर आपको न्यूमेरिकल और भी जो बुक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट करना है।